माननीय सभापति महोदय, आपको भारत के उपराष्ट्रपति बनने पर, देश के दूसरे उच्च संवैधानिक पद पर आसीन होने पर और राज्यसभा के सभापति बनने पर हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं। आपके व्यक्तित्व के बारे में, आपके अनुभव के बारे में, आपकी इस देश की समस्याओं की, लोगों की आकांक्षाओं की पहचान के बारे में प्रधानमंत्री से लेकर विपक्ष के नेताओं ने, सब सदस्यों ने बात कही। यह हर्ष की बात है कि आज पीठ पर आप आसीन हैं और आपको हर पक्ष का अनुभव है और आप दूसरे ऐसे व्यक्ति हैं जहां बड़ी महान विभूतियां इस पीठ पर रही हैं, जो एक बड़े राष्ट्रीय दल के अध्यक्ष रहे हैं। डॉक्टर शंकरदयाल शर्मा पहले यहां आसीन हुए, जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के लंबे समय तक अध्यक्ष रहे। आप भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष रहे, मंत्री रहे, ये अनुभव आपके पास है। इस सदन में दोनों तरफ कुछ लोग हैं जिनको यहां से वहां जाने का, वहां से का, फिर यहां से वहां जाने का अनुभव है। इसलिए शासन प्रशासन और चुनौतियों को समझते हैं और आप उनमें से एक ऐसे अनुभवी व्यक्ति हैं जिनको ये हर पक्ष का एक अनुभव रहा है। ये सही है कि हमारे लोकतंत्रात्मक पंथ निरपेक्ष गणराज्य की सबसे बड़ी शक्ति है विचारों का आदान प्रदान और सदन के अंदर वाद और विवाद, जहां कई दलों का प्रजातंत्र हो, संसदीय प्रणाली हो, सही माने में विचारधाराएं और विचार दृष्टिकोण अलग अलग होना अनिवार्य है। पर जहां धारा अलग हो, मुख्य धारा एक है, वो मुख्य धारा भारत की है। विपक्ष और प्रतिपक्ष, मुझे कहना, देखने में ये लगता है और वास्तविकता भी यही है कि नदी के दो किनारों की तरह है। नदी का पानी उधारा प्रवाह वो बहता रहता है। ये दो किनारे जरूरी हैं, वरना नदी ना हो, ना नदी का प्रवाह रहे। पर उसके साथ वो नदी जाकर एक सागर में जरूर मिलती है और हमारे देश की, प्रजातंत्र की जो नदियां चलती हैं, अलग अलग सोच की, अलग अलग विचार की, वो एक ही महासागर में जाकर मिलती हैं, जो भारत राष्ट्र है। इसको हमको सबको ये जानकारी है इस बात की। इसलिए मैं कहूंगा कि जहां आपसे हमारी ये उम्मीद कि अब आप, जहां देश पंथ निरपेक्ष है, आप भी पक्ष निरपेक्ष हो गए। अब वहां पर बैठकर आप स्वयं इस बात की पहचान रखते हैं, जो आपने कहा भी है, ये उपयुक्त होगा कहना आज कि हम जो भगवान का रथ लेकर चलते हैं, देवताओं का रथ, तो देवता का रथ एक चक्र पर नहीं चलता, दो चक्र, दो पहिए आवश्यक होते हैं। इसीलिए प्रजातंत्र के रथ के भी दो पहिए हैं, सरकार और विपक्ष। तो ये दूसरा पहिया भी उतना मजबूत रहे, ये हमारा आपसे आग्रह है। आप वहां थोड़ा कम देखें, इधर थोड़ा ज्यादा, आपको सहयोग और सम्मान तो पूर्ण मिलेगा और जो आपका निर्णय होगा उसको भी हम स्वीकार करेंगे। और छोटी छोटी लकीरें मैं कई बार देखता हूं। आज एक टिप्पणी हुई कि स्तर गिर गया है चर्चा का, पर गतिरोध और व्यवधान के बाद भी हमने देखा है हाल में, पिछले कुछ वर्षों के अंदर कई विषय ऐसे आए हैं जिस पे इस सदन ने चर्चा का स्तर बहुत ऊंचे लेकर गए, इसी सत्र में भी, पहले सत्रों में भी।
और हम आशावान हैं कि कई विषय ऐसे आएंगे जो जनता से संबंधित हैं, उस पर उसी तरह से चर्चा होगी। और एक सदस्य के रूप में मैं कहूंगा अंत में कि ये हमको सबको समझना है, ये देश सांझा है, विरासत सांझी है, इसलिए जब सदन का आरंभ होता है सत्र का, तो राष्ट्रगान होता है, और जब अंत होता है तो राष्ट्रगीत होता है। हम जनगण मन से आरंभ करते हैं, वंदे मातरम पर जाते हैं, इससे कौमी नारा जय हिंद है जो सुभाष चंद्र बोस का दिया हुआ है, और भारत माँ के हम सब लोग सपूत और सपुत्रिय हैं, उसी को समझकर हमारी सोच इस पक्ष की उस पक्ष की ये बड़ी स्पष्ट है। आज का दिन एक ऐसा है, कुछ बात कहना, कुछ विचार व्यक्त करना जरूरी हो जाता है। हम इस आशा के साथ कि सदन सुचारू भी चलेगा, पर सदन में जान भी रहेगी, जब तक कहीं ना कहीं मतभेद और आदान प्रदान नहीं होगा, तो फिर वो जो जीवन होता है प्रजातंत्र का, वो जीवन जो दिखना चाहिए वो हमेशा दिखता रहेगा। यही आशा के साथ शुभकामनाएं आप। आनंद जी।